फार्मर मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह की कल ईडी ने जब हिरासत की, अब उसके बाद जो है उनकी तबीयत खराब हो गई है। इस समय उन्हें जीएमसी जम्मू में यहाँ पे एडमिटेड किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है, यहाँ पर उन्हें रात को एडमिट किया गया था। उनकी तबीयत अचानक, आप देख सकते हैं कि सामने इस समय उनके समर्थक भी यहाँ पर खड़े हैं। अभी यहाँ पर उनके इलाज जो ट्रीटमेंट इस समय चल रहा है, और इमरजेंसी में उनको लाया गया था, यहाँ पर उनका हेल्थ चेकअप हुआ, लेकिन जिसमें उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हुआ, और जिस वजह से उनकी तबीयत, वो पहले भी कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी तबीयत में कुछ समस्या आ रही है, जिस वजह से उन्हें जब चेकअप के लिए ले जाया गया, ईडी की टीम जो लेके गई, सबसे पहले जो जानकारी मिली है कि गांधीनगर हॉस्पिटल में उनको वहाँ पर ले जाया गया। यहाँ पर उनकी वहाँ पर उनका जब एग्जामिन उनको किया गया, तो कुछ जब तकलीफ उनकी पाई गई, तो उसके बाद तुरंत उनको रेफर कर दिया गया कि इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ले जाइए। तो यहाँ पर इस समय जीएमसी में उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है, और अभी भी वो डिजास्टर वार्ड में वहाँ पे मौजूद है, और उनकी तबीयत थोड़ी समय खराब है, क्योंकि कल रात से ही जब उनकी अरेस्ट हुई थी, देर शाम को उनकी अरेस्ट होने के बाद जब ईडी उनको अपने ऑफिस वहां पर ले गई पूछताछ के लिए, देर रात जब उन्होंने कंप्लेन की कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर तुरंत उनको सबसे पहले गांधीनगर हॉस्पिटल वहां पर ले जाया गया। यहां पर इनिशियल जो उनकी ट्रीटमेंट की गई, उस ट्रीटमेंट के बाद फिर उन्हें जीएमसी जम्मू यहां पर शिफ्ट कर दिया गया, जिस समय भी अभी उनकी वहां पर ट्रीटमेंट चल रही है। बताया जा रहा है कि अभी भी तबीयत जो उनकी ठीक नहीं है। फिलहाल यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और सपोर्टर भी उनके यहां पर मौजूद, हमारे साथ उनके समर्थक भी हैं यहां पर, उनके सपोर्टर लगातार उनके ऑफिस के बाहर भी वो मौजूद थे, लेकिन जब उन्हें देर रात मेडिकल इश्यूज के चलते हुए ले जाया गया, तो उसके बाद अब यहाँ पर भी मौजूद है, खुद बातचीत करते हैं। फिर रात को हम गांधीनगर के उधर थोड़ा सा बीपी का बग, बीपी फ्लक्चुएशन वगैरह हुई, तो उनको एक आई में क्लॉट टाइप था, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन चली उनकी, उन्होंने कर दिया बक्शीनगर में रेफर, इधर अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में मारे हैं। चलो रब राखा, उनके विषय नहीं जानता, तो ऑब्वियस हमको कुछ तो हो तो सकता ही नहीं। अब चलो देखते हैं, अब आगे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, कब तक देखते हैं, और जो बीजेपी करना चाहती है कर दे, क्या कर सकती है बीजेपी, आप क्या करेगी। इधर ये वॉशिंग मशीन है, इधर से आप डालो, इधर से आप एक तरफ से मैला बंदा डालोगे, सर्फ एक्सल आते ना, माँ मांगे डिटोल का दूल्हा, बस वही आगे इनके साथ, सर्फ एक्सल डिटोल निरमा, बीजेपी आगे सब फेल है। आपको लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए हुए है कि उनको वो शांत रहें, और जहाँ तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, इस तरह की पूरी कोशिश की जा रही है कि वो चुप रहें? सर पूरी तरह से कोशिश किया, उनको पूरा फोर्स किया जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सर आपको एक चीज बता रहा हूँ, आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लें, एक हमें 371 दे दें, एक जम्मू से अपने स्टेट बना दें, और हमारे एक लैंड जो भी हमारी रिसोर्सेज है बाहर बाहर वालों को मान दीजिए, आज ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे हम उनके साथ करेंगे, हम उनके वर्कर हैं जी। वो पहले वर्कर को पूछेंगे फिर पार्टी ज्वाइन करेंगे, वर्कर्स ने बोल दिया तो पार्टी को नहीं बात। अभी फिलहाल मैं पहले जी जानकारी चाहता हूँ कि अंदर से क्या कोई आपको जानकारी मिल रही है कि किस तरह की अभी सिचुएशन क्या है उनकी, किस तरह की कंडीशन है अभी? कंडीशन तो ऐसी जैसे सुबह आई थी, उनके आई में क्लॉट टाइप है, मे भी माइनर अटैक टाइप ना आया, उनके आई में क्लॉट है, बीपी थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज्यादा, 150 प्लस ही ऑलमोस्ट, तो डॉक्टर ने भी इनको अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ अभी। अच्छा, अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो कार्डियोलॉजिस्ट आए थे उन्होंने अपना देखा, मे भी उन्होंने भी दो तीन घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, अभी ऑब्जर्वेशन में है। जी, मैं बिल्कुल सपोर्टर उनके साथ हैं, उनको कहा है कि थोड़ा हेल्थ इश्यू जिस तरह से हो गए, उनके आई में एक क्लॉट आया है, और ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर रहा था, जिस वजह से उनको जीएमसी जम्मू यहाँ पे लाया गया है, अभी भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, डॉक्टर के साथ हैं। और चौधरी लाल सिंह के बारे में आपको बताऊं कि कल एंटी करप्शन कोर्ट में उनकी एंटीसिपेटरी बेल को लेकर सुनवाई थी, और जिसमें कि उनकी एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया गया था। इंटरनेट यहाँ पे प्रॉब्लम की वजह से बीच में काफ़ी नेटवर्क टूट रहा है, लेकिन हम आपको फिर से जानकारी दे दें कि चौधरी लाल सिंह को उनकी सेहत ठीक नहीं होने की वजह से जीएमसी जम्मू में यहाँ पर एडमिट किया गया है, और
जिस तरह से उनकी हार्ट बीट के बारे में बताया कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है और आई में कोई क्लॉट भी आया है जिस वजह से उनको एडमिट करना पड़ा। पहले गांधीनगर हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर जब इनिशियल उनकी ट्रीटमेंट हुई उसके बाद उनको जीएमसी जम्मू यहां पर शिफ्ट कर दिया गया। अभी भी उनकी निगरानी में है, ऑब्जर्वेशन में है, उन पे ट्रीटमेंट लगातार उनके चल रहा है और कंसर्न जो डॉक्टर हैं उनकी टीम भी यहां पर मौजूद है और पूरी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। आपको जानकारी दें कि कल इनकी अरेस्ट हुई थी देर शाम, चौधरी लाल सिंह की अरेस्ट हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर। और इससे पहले सुबह एंटी करप्शन कोर्ट जम्मू में कि आज उनकी अरेस्ट हो जाएगी, लेकिन देर शाम जो है फिर उनकी अरेस्ट की गई। ईडी की टीम ने उनको जब हिरासत में देर शाम को लिया, उनके सपोर्टर भी और पहुंच गए और जब उन्हें अरेस्ट करने के बाद देर काफी लेट नाइट 3 बजे के करीब बताया जा रहा था कि उनको कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, कोई हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए, जिसके बाद उन्हें यहां पर लाया गया। उनका ट्रीटमेंट इस समय जिस वजह से आज ये सिचुएशन ईडी ने भी इस मामले में